गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। टुडे आल्सो वी विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टुडे आई हैव टेकन द प्रॉब्लम्स फ्रॉम मिक्स प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डायपोल। सम प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम द कैपेसिटर। सो टुडे वी विल सी सम प्रॉब्लम्स फ्रॉम द डायपोल and some problems from the capacitor. Before that, let me tell you something that I have observed. So, beta, for 11 and 12 May, I saw the views of lecture. They are decreasing day by day. So let me aware you. First of all, these video lectures are not for us. They are for you. You are not small kids. Okay? You are aware of the situation and how the situation may lead to the future problems, that also you know. So I will request everybody that now be serious about your studies. ऐसा नहीं है आज अभी आराम मिल रहा है तो कभी भी उठा कभी भी सो गया थोड़ा सा व्हाट्सएप पे उधर यस आई एम प्रेजेंट डाला बाद में आराम से सो गया मेरे को सब मालूम है नॉट ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी इज डूइंग दैट बट स्टिल फ्रॉम द व्यूज इट इज क्लियर समबडी मे फाइंड अरे वही वही प्रॉब्लम पड़ा रहे ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है सो आई विल सजेस्ट यू ओनली वन थिंग द लेक्चर्स आर नॉट फॉर अस दे आर फॉर यू पीपल सो दैट At home also, you may get the environment like school. पहले तो मैं हाथ से लिख के दिखाता था तो बाद में हमारा मीटिंग हुआ डिस्कशन हुआ उससे ऐसा पता चल कि बच्चों को सामने टीचर दिखने चाहिए तो कैसे कैसे करके स्कूल में भी बोर्ड नहीं था बालिकर अंकल ने उसको वो ढूंढ ढूंढ के छोटा बोर्ड दिया बोर्ड छोटा है पहले इधर थोड़ा सा दीवार पे कुछ तो मेरी छोटी बच्चियों ने कुछ तो इधर उधर किया था उसको थोड़ा कलर का वो मैटर करवाया कैसे करवाया मुझे मालूम है सो नॉट ओनली मी स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट पर्सन टू द फर्स्ट पर्सन एवरीबडी इज टेकिंग द एफर्ट्स फॉर योर लर्निंग तो थोड़ा सा उस प्रोसेस का ख्याल रखो रिस्पेक्ट each and every process which is done for you and try to attend the lectures regularly. हमें views मिलते हैं हम मैं कभी बोला नहीं अभी तक मेरे को हर रोज views दिखते हैं उसमें से दो चार मेरे भी होते हैं ना क्योंकि मैं होने के बाद मैं भी देखता हूँ उसमें से neglect करता हूँ तो उस views में आपके views होने चाहिए okay? I will not repeat this again because you all are genius. Okay, you all are good people, good students. I call you always my tigers. So, इससे आगे ये बात नहीं बताना पड़े. So I request all of you to watch regularly, not only my videos, all the videos, and practice at home. Let's start with the problem. Problem number one. A molecule with a dipole moment P is placed in an electric field. आप भी देखो साथ साथ PDF open करो problem read करके लो इस video को pause करो अभी के अभी problem read करके लो और बाद में connect करो फिर से molecule with a dipole moment P is placed in electric field of strength E
tool is aligned parallel to the field. Okay. If the dipole is to be rotated to be anti-parallel to the field, the work required to be done by the external agency. तो पहले डायपोल ऐसा है, एकदम सिंपल में दिखाता हूं आपको. यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, तो आपका थीटा कितना बन जाएगा? 0 डिग्री. अभी इस डायपोल को मेरे को, इस डायपोल को मेरे को एंटी पैरेलल बनाना है. एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? इसको ऐसा रोटेट करके, इसको अगर मैं एक्स बोला और इसको वाई बोला, तो इसको रोटेट करके मेरे को इधर वाई और इधर एक्स बनाना है. मतलब वो थीटा कितना बन जाएगा अभी? 180 डिग्री. तो द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, तो एकदम सिंपल है. वर्क डन तो वैसे लिखते हैं, वर्क डन फॉर्मूला क्या है? पीई कॉस माइनस पी कॉस थीटा, ना माइनस पी कॉस थीटा. तो अभी इसमें आप नहीं, तो एनर्जी के लिए माइनस होगा ना. यस, इंटीग्रेशन कॉस साइन थीटा, साइन का माइनस माइनस माइनस, ओके पी कॉस थीटा आएगा. अभी इसमें कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू करो, तो पी ई कॉस थीटा वन कितना डालो? 0. कॉस 0 माइनस कॉस 180. पी ई कॉस 0 कितना आएगा? 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1. 1 माइनस माइनस 1 2. सो आंसर आएगा आपका 2 PE. सो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, देख के लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन. लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 2. प्रॉब्लम नंबर 2 पे क्या पूछा है आपको? द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर 40 mm इन डायमीटर इन ऑर्डर टू हैव सेम कैपेसिटी एज द स्पीयर ऑफ रेडियस 1 meter. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स. तो पहले आपको कौन सा कैपेसिटर दिया है? डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कंडेंसर 40 mm इन डायमीटर इन ऑर्डर टू हैव द सेम कैपेसिटी एज द स्पीयर ऑफ रेडियस 1 meter इज, मतलब आपको डी निकालना है. डी इज क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम 2. डी निकालना है. तो कैपेसिटेंस का पहला फॉर्मूला क्या आता है? ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी. और सर्कुलर प्लेट के लिए कितना आता है? 4 pi epsilon naught r. ओके, इसको इक्वेट करो, वही दिया है ना. द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट्स ऑफ पैरेलल कंडेंसर इज 40 mm इन डायमीटर. सो डी मतलब डायमीटर दिया है, 40 mm, दैट इज 40 × 10⁻³ मीटर वो दिया है. इन ऑर्डर टू हैव सेम कैपेसिटी, मतलब ये दो कैपेसिटी सेम होना पड़ेगा, सेम कैपेसिटी एज अ स्पीयर ऑफ रेडियस 1 meter. सो एकदम सिंपल है. इसमें क्या करेंगे अभी? इक्वेटिंग 1 और 2, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं. इक्वेटिंग 1 और 2, व्हाट वी गेट? ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी विल बी इक्वल टू 4 pi epsilon naught r. तो अभी डी निकालना है. तो डी निकालने के लिए डी विल बी इक्वल टू, डी इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन 4 pi epsilon naught r. epsilon naught r चला जाएगा. ए स्पीयर का एरिया कितना बनता है? ये अगर रेडियस r है, दिया है ना ये, तो 4 pi r square बराबर, 4 pi r square अपॉन 4 pi r. ओके, तो इसमें आपको डायमीटर दिया है, तो डायमीटर से रेडियस निकालो. ओके, रेडियस निकाला तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर.
थोड़ा सा निकाल के मुझे बताओ बाद में। ओके, ये आर क्या डालना है, इसका ये क्या करना है, वो क्या करना है, इसका एरिया निकालो, इसका जंबल मत करो, इसका अलग सा एरिया निकालो, ये अलग दिया है आपको, ये जंबल मत करो, इसका ये ये दिया है आपको, और दूसरा कितना दिया है, कैपेसिटी ऑफ रेडियस 1 मीटर, मतलब इसके लिए डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, इसके लिए कितना लेना है, इसका आधा 14 × 10⁻³ ये लेना है, उसका स्क्वायर, और इसके लिए 1 मिलीमीटर कितना दिया, 1 मिलीमीटर दिया ना, 1 मीटर दिया है, ये 1 लेने का, तो 4 × 4 × 4 कैंसिल हो जाएगा, ये इसका कितना है, 2 × 4 0, इसका कर करके देखो कितना आ रहा है, 40 मिलीमीटर डायमीटर 40 मिलीमीटर ना, तो उस नहीं नहीं ऊपर उल्टा हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसका एरिया सेपरेटली निकालो, एरिया 4 πr² 4π × 1² दैट इज 4π आएगा, और ये 4π ε₀ r, ये r इधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 × 10⁻³। ओके, तो ये चेक करो, ये आंसर देखो, d कितना आता है, 0.1 मिलीमीटर आना चाहिए। ओके, मुझे आंसर बताओ बाद में। प्रॉब्लम नंबर 3, इफ अ स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 × 10⁻³ थिक, इंसुलेटिंग मटेरियल इज देयर 4 × 10⁻³ थिक इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3.5 × 10⁻³ टू रिस्टोर द कैपेसिटी टू द ओरिजिनल वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल विल बी, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मटेरियल विल बी। ओके, तो पहले आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया था, कौन सा फॉर्मूला दिया था, आई हैव गिवन वन फॉर्मूला फॉर इंसुलेटिंग प्लेट, उसमें इंसर्ट किया आई थिंक उसका ε₀ upon d आता है ना, d − t + t / k समथिंग लाइक दैट, ε₀ upon d − t + k तो इसमें कर सकते हो, t को बाहर निकल, ऐसे ही है, ऐसा नहीं फॉर्मूला, अलग सा भी कर सकते हैं इसको, d − t × 1 + 1/k ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर, ये कैसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको उसको क्या दिया उन्होंने, स्लैब ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल 4 × 10⁻³ थिक, ओके, सेपरेशन टू बी इंक्रीज्ड बाय दैट, ओके, तो इनिशियल सेपरेशन ले लो डी एज इनिशियल सेपरेशन और फाइनल कितना ले लो, फाइनल ले लो d + Δ d, छोटा सा बड़ा उसमें, तो इनिशियल क्या आएगा, ε₀ upon d, उसमें तो डायलेक्ट्रिक किया नहीं है, और ये बन जाएगा ε₀ upon d − t + t / k, खाली इसको d को अभी क्या लिखना पड़ेगा अपने को, d + Δ d, तो इसको मैं ठीक से फिर से लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, बराबर, ओके, तो फटाफट बना देता हूं क्योंकि अपने पास टाइम भी कम है और भी प्रॉब्लम पूरा करना है, पहले लिखता हूं बिफोर क्या बन जाएगा, ε₀ upon d, आफ्टर क्या बन जाएगा, ε₀ upon, ये d को क्या बोलेंगे, d + Δ d, sorry, माइनस t + t / k,
टी मतलब आपका थिकनेस, इसको बोलता हूँ वन, इसको बोलता हूँ टू, इक्वेटिंग वन एंड टू व्हाट विल गेट, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी विल बी इक्वल टू ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी प्लस डेल्टा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हट गया तो कितना बन जाएगा इम्प्लाइज, इसको इधर करते हैं डी प्लस डेल्टा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इज इक्वल टू डी। तो ये तो डायरेक्ट डी डी तो चला जाएगा, सो के के से मल्टीप्लाई करता हूँ, नहीं तो के का वैल्यू क्या करता हूँ, ये माइनस टी है, ये उधर जाएगा प्लस टी हो जाएगा ये, सो टी अपॉन के विल बी टी माइनस डेल्टा टी, सो के विल बी टी अपॉन टी माइनस डेल्टा टी, बराबर। अभी आपको थिकनेस कितना दिया है, ओके ओ सॉरी हाँ डेल्टा टी नहीं, सॉरी वेरी सॉरी, वही देखा मैंने ये क्या हो रहा है, बस बस अभी हो, तो टी दिया है आपको, थिकनेस कितना दिया है 4 इंटू टेन रेस्ट टू माइनस थ्री, तो इसको कितना निकालना है टी डालो 4 इंटू टेन रेस्ट टू माइनस थ्री, और डेल्टा डी इंक्रीज्ड बाय, सो डेल्टा डी आपको दिया है 3.5 इंटू टेन रेस्ट टू माइनस थ्री, तो वैल्यू इधर डालो, आंसर विल कम, आंसर मैंने निकाला नहीं है, देखते कितना उधर निकाला नहीं है मैंने, निकालते 4 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री अपॉन 4 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री माइनस थ्री इंटू सॉरी 3.5 इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री, तो सब जगह टेन रेस टू माइनस थ्री है, वो तो बेटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब जगह है, ये आएगा 4 अपॉन 4 माइनस 3.5, सो 4 अपॉन 0.5 दैट इज 40 बाय 5, 5 एट इज 48 आएगा, 8 आएगा आंसर, देखता हूँ, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मेरे पास नहीं है लेकिन ऑप्शन तो है मेरे पास, ओके लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 4, बिफोर दैट लेट मी चेक हाउ मच इज द टाइम, ठीक है हो जाएगा, और ये तो एकदम सिंपल है, आप सबको आएगा, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देखते हैं क्या करने का इसका, प्रॉब्लम नंबर 4, इन द सर्किट डायग्राम इन द फिगर द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज, आपको निकालना है द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू, यहाँ पे पी दिया है, डायग्राम तो निकालना पड़ेगा, कितना भी आपको दिया है मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए निकालना ही पड़ेगा, ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड, ये 12 माइक्रोफेरेड, ये 20 माइक्रोफेरेड और ये Q, देखो बेटा क्या करना है, इसको पहले ऐसे करके लो, P इधर आएगा, P के बाद 12 माइक्रोफेरेड, उसके बाद ये इसको ऐसा करके देखो इसको, तो मतलब ये दो पैरेलल हो जाएगा ना, और ये 20 माइक्रोफेरेड, इधर लिखो Q, तो इधर मैं लिखता हूँ 12, 2, 3 और 3, 2, नीचे 2 है ना, 20, 20, 12, 3, 2, तो इसको फर्दर कैसे लिखो, ये 12, 3 प्लस 2, 5 और ये 20, 12, 5, 20, इसको लिखता हूँ P, इसको लिखता हूँ Q, तो C, P, Q will be C1, C2, C3 upon C1, C2 plus C2, C3 plus C1, C3, so C, P, Q कितना आएगा बेटा देखो C1 C2, so 12 into 5 into 20 upon 12 5 जा 60, 5 20, 5 into 20 100, 12 to जा
240, सो इधर आएगा 1200, 240 प्लस 6300 400 आएगा, सो 3 माइक्रोफेरेड, आंसर विल बी 3 माइक्रोफेरेड, देख लो ओके, ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलो ये नोट डाउन करो, जिसको आता नहीं नोट डाउन करो, जिसको आता है ठीक है आगे चलो ओके। दो मिनट में रुकता हूँ आप पॉज करके ओके, विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। तो 5 प्रॉब्लम इस वीडियो में बनाएंगे, अगले 5 प्रॉब्लम अगले वीडियो में बनाएंगे। Four capacitors each. एक मिनट आ, बैठा नहीं, ठीक से बैठा। Four capacitors each of capacity 3 microfarad are connected as shown in the figure below. The ratio of the equivalent capacitance between A and B and C. Okay. ये भी सिंपल है, लेकिन रेशियो पूछा है। ए बी और यहाँ पे दिया है सी, एकदम सिंपल हो गया, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इधर भी थ्री दिया है, थ्री दिया है, थ्री दिया है, थ्री दिया है। तो बेटा पहले सर्किट को थोड़ा सा ए बी और ए सी के लिए ये करते हैं, फॉर ए बी, ए बी के लिए कैसा करेंगे, इधर ए लिखता हूँ, इधर बी लिखता हूँ, बराबर ना, ए के बाजू में ये, बी के बाजू में ये, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे, यहाँ पे ये, ओके बराबर, ये थ्री 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 थ्री, इसका सीरीज कर लो और ये पैरेलल कर लो, तो ए में कितना हो जाएगा, ये तो थ्री हो जाएगा, ये थ्री थ्री थ्री, थ्री 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 का सीरीज थ्री बाई थ्री दैट इज वन, तो ए बी के बीच में कितना हो जाएगा, वन प्लस थ्री दैट इज फोर, सो सी ए बी कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफेरेड। अभी दूसरा ए सी निकालते, ए सी के लिए क्या करो, डायरेक्ट ए निकालो ओके, यहाँ पे सी, ए और सी के बीच में, अभी बी को भूल जाओ, तीन 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 तीन, मतलब ऊपर दो तीन तीन के, नीचे दो तीन तीन के, हो गया, करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता सकते हो आप, थ्री थ्री उसका हाफ बन जाएगा, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, अगेन कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, सो रेशियो विल बी, ओ सॉरी, फोर बाय थ्री ए बी अपॉन पी क्यू, ओके, सो दैट वॉज द सेशन 1, सेशन 2 विल बी इन नेक्स्ट वीडियो, ओके, थैंक्स अ लॉट। और आपका कुछ क्वेरी है इस वीडियो के बाद में भी, मैंने एक आपको पहले जो ये दिया है MGM1 वर्कशीट, उसमें से भी आप प्रॉब्लम सब सॉल्व करो, अगर कोई प्रॉब्लम आता नहीं है, कोई कोई स्टूडेंट पूछते हैं क्वेरी मुझे, ना कि ऑल, ओके ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीबडी विल आस्क क्वेरी, आई विल गिव द आंसर फॉर दैट, ऑफकोर्स आंसर्स आर गिवन, बट फॉर द सॉल्यूशन एंड ऑल यू मे आस्क मी, थैंक यू।